वगैरह साहब जी, बेहतर इस्तेमाल तो शायद बेहतर इस्तेमाल तो वन जी, एक तो आप गलत हो हर लिहाज से, एक लिहाज से जी बिल्कुल हर जगह पूरा पाकिस्तान में बेहतर होना चाहिए, हमें बेहतर काम करना चाहिए, बेहतर मेहनत करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हमारा सिंध का सेहत पे फोकस रहा है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अब से नहीं, पैंडेमिक में नहीं, लेकिन सालों साल हमने हेल्थ को प्रायोरिटी रखा है। इसकी वजह से सिंध में ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अपने नंबर्स दिखाता है कि सिंध में जो हॉस्पिटल बेड्स पर मिलियन है, बाकी सूबों से ज़्यादा है। सिंध में जो आईसीयू बेड्स पर पॉपुलेशन रेशियो है, बाकी सूबों से ज़्यादा है, पंजाब से ज़्यादा है। नया हॉस्पिटल्स जो सिंध में बने पिछले 10 साल में, सिंध में ज़्यादा नया हॉस्पिटल्स बने हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के नंबर्स के हवाले से कंपेयर टू इवन पंजाब। नाउ आप डिबेट कर सकते हो कि उन हॉस्पिटल्स का क्वालिटी क्या है, उन हॉस्पिटल्स की क्वालिटी पूरा पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स है उनको बेहतर होना चाहिए, लेकिन जहां तक सिंध का परफॉर्मेंस है हेल्थ में, एक माइनस कोविड, आउटसाइड ऑफ कोविड आपका अपना स्टेटिस्टिक्स, अपना अपना मुल्क का डाटा ये दिखाती है कि सिंध ने आउट परफॉर्म किया है और आज भी आउट परफॉर्म कर रही है, चाहे वो टेस्टिंग कैपेसिटी में हो, चाहे वो हमारा फैसिलिटीज पे कैपेसिटी में हो। दूसरा आप पूछ रहे हो कि क्या वो जो निज़ाम है उसमें वो ओवरवेलम नहीं हो पा रहा है, वो तो होगा। अब पूरा मुल्क में जितना तेजी से हम इजाफा करते हैं, हमारा सेहत का निज़ाम ये बोझ नहीं उठा सकती। हमें ये पहले पता था, इसलिए हमने मुतालबा किया कि फौरन जंगी बुनियादों पे आप लॉकडाउन सिर्फ लॉकडाउन के लिए ना करें, लॉकडाउन के दौरान जंगी बुनियादों पे हेल्थ केयर कैपेसिटी में इजाफा करें, लॉकडाउन के दौरान जंगी बुनियादों पे टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करें। हमने वो नहीं की, अब हम इजाफा करते रहेंगे, टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा भी करते रहेंगे, सेहत का निज़ाम में भी इजाफा करते रहेंगे, लेकिन हम उस वायरस के साथ वो पेस, अगर हम WHO के रिकमेंडेशंस को नहीं मनाते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं, सो देयर इज नो वे कि हम उस वायरस के साथ पेस रख सकेंगे। ये एक मुश्किल हकीकत है और हमें बहुत गौर करना चाहिए, जो भी माजी में किसी का अप्रोच था, अब जो WHO का गाइडलाइंस है वो आपको बताता है कि आपको कौन सा थ्रेशोल्ड पे आना है लॉकडाउन को उठाने से पहले। जो हम मुतालबा कर रहे थे कि आपका सेहत का निज़ाम का कैपेसिटी, आपका टेस्टिंग कैपेसिटी, आपको इतना टेस्टिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि आप हर टेस्ट को टेस्ट कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। जब आपका वो कैपेसिटी है, जब आपका इन्फेक्शन रेट 10% से कम है या परसेंटेज से कम है,
तो तब आप लॉकडाउन लिफ्ट कर सकते हो और इसको मैनेज कर सकते हो. और अब भी एनसीओसी में ऐसी मीटिंग्स में आपका वजीर आला डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस को, डब्ल्यूएचओ का जो रिकमेंडेशंस है वो वफाक के सामने रख रहे हैं. इस फोरम जो उसको लीगल कवर भी है कि यहां से मिलके मुल्क का फैसला हो, उसमें ये डिबेट छेड़ा गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि WHO का गाइडलाइंस को इस्तेमाल करके हम ना अपना सेहत के निजाम को तहफ़ फरहम करें. लास्ट क्वेश्चन नहीं करें, लास्ट क्वेश्चन प्लीज. मैं आपको सच, बिल्कुल सच कह रहा हूं. हमने जब ये वबा आए शुरू हुआ, हमने समझा कि बिल्कुल एक इम्पार्शल गैर पार्टिसन अप्रोच और मिलके इसका मुकाबला करें, और हमारा रियल सीरियस कोशिश काफ़ी देर से रहा कि जितना ये गैर सियासी रहे, जितना हम आपस में ला लड़े, लेकिन PTI का वज़ीर आज़म का बस वो अलग नीयत था, और इसकी वजह से मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ इस वबा का मुकाबला करने में, इस वबा को काबू पाने में, मगर आपको मीशत को संभालने में, आपके वफाक को संभालने में, आपके बहुत से इश्यूज का जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. तो इस वक्त हमारा फोकस कोविड है, अवाम का सेहत और जिंदगी बचाना है, मीशत में जो भी हम कर सकते हैं. लेकिन जहां तक ये गिरती हुई दीवार है, इंशाअल्लाह ताला ये जल्द गिर जाए, और हमें बस एक काबिल सीरियस एडल्ट मिले जो वजीर आजम हो, और इतना बच काना हरकते एक पैंडेमिक के दौरान ना करे, ताकि ये मुल्क चल सके और हम अपना आवाम की जिंदगी और सेहत को बचा सके. उसका मुखालफत तो नहीं करूंगा. आप सबका बहुत मेहरबानी. आई एम सॉरी, मैं इतना ज्यादा और क्वेश्चंस, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम.